ये ऐसा मेरी NA1 से उम्मीदवार हूँ मुत्तहिदा मजलिस अमन पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि यहाँ तालीम के सिलसिले में जो सेमिनार हो रही है उस सेमिनार में शिरकत के लिए आया था। तो हमारा जो विजन है और पॉलिसी है वो मुत्तहिदा मजलिस अमन की पॉलिसी है। मुत्तहिदा मजलिस अमन ने अपने 5 साल दौर में 2002 से शुरू हुआ 2007 तक जो इस्लाहात किए थे उसमें वेमेन यूनिवर्सिटी का क़याम और उसमें वुमन मेडिकल कॉलेज का क़याम और इसी तरह कुह एजुकेशन को ख़त्म करने के लिए स्कूलों में इस्लाहात और प्राइमरी एजुकेशन में भी इस्लाहात और मिडिल एजुकेशन में भी और मैट्रिक में भी, तो इसी तरह हम मेडिकल डिग्री कॉलेजों में भी और यूनिवर्सिटीज़ के सतह पर भी हमारी पॉलिसी यह है कि हम कुह एजुकेशन को ख़त्म करेंगे और जो शरह तालीम है उसको हम बढ़ाएंगे और इसके लिए तालीम के लिए बजट में 100% हम इंशाल्लाह इजाफा करेंगे और उसमें बिलखसूस बच्चियों के जो स्कूलों में कमी है और जो स्टाफ की कमी है उसको हम पूरा करेंगे। बहरहाल पाकिस्तान में तालीम को तरजीह दिए बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। तालीम बुनियाद है हमारी, तालीम के बगैर हम आगे नहीं जा सकते, हम दीगर अवाम के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। इसी तरह स्कूलों में जो उर्दू के साथ खेल खेला जा रहा है उसका खात्मा भी हम करेंगे। हम आईन पाकिस्तान को मद्देनज़र रखते हुए उर्दू को जो कौमी ज़बान आईन में करार दिया गया है उसकी तरवीज करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, और आइंदा उर्दू ज़बान जो है वो सिर्फ दफातर तक महदूद नहीं बल्कि हमारे स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में भी ये लाजमी मजमून के तौर पर इंशाअल्लाह हम उसको जारी रखेंगे।